नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला वालों दमेंश की ट्रंक्स की सारी सीरीज के बारे में बेसिकली इतनी ज्यादा है ही नहीं इनकी सिर्फ दो सीरीज आती है अगर क्लोथ के मामले में कहूँ बाकी डिजाइन वगैरह चेंज होते रहते हैं किसी में प्रिंट दे देते है किसी में, में स्टेप डिफरेंट है पर जो मेन चीज है जो मेन चीजों से जिससे डिफरेंस होता है वो होता है क्लोथ का तो क्लोथिंग इनकी दो प्रकार की आती है एक तो आपको माइक्रो मॉडल की आ जाती है एक आती है कॉटन की तो ये वाला मुझ पर अभी कॉटन वाला है इसमें 94 परसेंट कॉटन होता है और 6 परसेंट इलास्टिन है और यहाँ पे आप देख देखेंगे अगर तो यहाँ पे नाइन्टी थ्री परसेंट मॉडल है और 7 परसेंट इलास्टिन है ठीक है तो ये दोनों डिफरेंस आ जाता है बाकी प्राइस uh, में uh, जो डिफरेंस है वो बिल्कुल डबल का है ये आपको जैसे uh, कॉम्बो में आते ये uh, आपको पड़ जाते हैं साढ़े आठ सौ आठ सौ रुपए के तीन आ, तो ये आपको ढाई सौ से तीन सौ रुपये का एक पड़ गया और अगर इसकी बात करूँ तो ये वाले आपको पड़ जाते हैं पाँच सौ से छः सौ के बीच में ये वैरी करते हैं और दमनज के अगर ऑफिशियल साइट की बात करूँ तो उसमें अब ये वाले जो कॉटन वाले ये वहाँ पे शो नहीं होते मतलब वहाँ पे आई गेस डिसकॉन्टिन्यू इन्होंने कर रखे हैं ये सिर्फ डी कॉटन माइक्रो सॉरी डी माइक्रो मॉडल फाइबर वाले सेल uh, करते हैं अपनी जो ऑफिशियल साइट है उस पर ठीक है ये वाले अगर आपको खरीदने ये अभी भी अमेजोन पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं तो uh, सबसे पहले uh, तो ये दोनों सीरीज आती है uh, इनमें द मेंच की एंड uh, मैं बता रहता हूँ uh, और डिफरेंसेस बता देता हूँ इसके बारे में तो ये दोनों ही क्या कहते हैं uh, जो ये डी कॉटन है ये डी माइक्रो मॉडल है तो इसमें ना आप अंदर देखेंगे तो इस प्रकार का एक एडिशनल uh, क्लोथिंग uh, प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये uh, जाली टाइप से मैं आ जाता है uh, ये जो है कि जो स्वेट uh, को और अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व करे और यहाँ पे एक एक नॉर्मल सा एक कपड़ा आ जाता है तो ये सबसे पहला डिफरेंस ये हो जाता है uh, तो इनका ये जो है uh, इसका मतलब है कि द ये जो ऑर्डर होता है आपके जो प्राइवेट एरियाज का तो उसे कैंसिल करता है पांच गुना तक ठीक है तो इनका जो जो डीओ वाला जो कॉन्सेप्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से एक फ्रेगनेंस में लेके और वहाँ पे वो फ्रेगनेंस रहेगी इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप इन्हें तीन चार दिन तक भी पहन लीजिए तो आपको ऑर्डर वो कैंसिल कर देगा पाँच मिनट तक हालांकि पहननी नहीं चाहिए पर इन्होंने ऐसा मेंशन करा हुआ है और दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी फायदेमंद लगी दोनों में ही बता देता हूँ इसका थोड़ा प्रीमियम कपड़ा है इसका सॉपिंग ज़्यादा है और इसका थोड़ा सा कम है वो ये पर प्राइस भी इसका डबल है इससे तो दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी ये जो बाकी नॉर्मल अंडरवेयर आते हैं उसमें ना यहाँ पे अलग से क्लोथिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो बेसिक आते हैं। तो इससे क्या होता है जो क्रॉस एरिया है सबसे जल्दी हार्ड होता है और ये सब टर्न ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है तो इसके दूसरा फायदा मुझे ये लगा ये थोड़े से ऐसे इसलिए सही चल जाते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं बाकी मॉइस्चर रिटेंशन की मैं बात कर लेता हूँ दोनों क्लोथ uh, की तो इसका जो मॉइस्चर uh, जो माइक्रो मॉडल का मॉइस्चर रिटेंशन पावर होता है वो जो नॉर्मल कॉटन से वो 50 परसेंट ज़्यादा है तो इसका जो कपड़ा है वो ज़्यादा मलाई सा है मक्खन सा है बहुत ही uh, पहन के पता भी नहीं लगता तो कम्फर्टनेस के मामले में ये काफ़ी प्रीमियम है और ये थोड़ा थोड़ी ग्रिप वाली फील देता है कि हाँ ग्रिप ऐसा लगता है कि पहना हुआ है और एक uh, हाँ ग्रिप सी लगती है ठीक है वही इसमें काफी लाइट चलेगा तो कॉटन में हरी मतलब सारे कॉटन के कोई सा पहन लो तो उसमें ऐसा लगता है ग्रिप्ड वाले है और थोड़े फिटिंग टाइप वाले है। इसमें फिटिंग इसमें भी आते है पर इसमें थोड़ा लाइट रखता है ऐसे ना कभी पता ही नहीं चलता कि पहना भी हुआ है तो तो क्लोथ के मामले में काफी मतलब ये प्रीमियम माइक्रो मॉडल काफी प्रीमियम होता है और ये कॉटन से तीन गुना ज्यादा सॉफ्ट होता है तो आइए अब मैं बात कर रहा था ड्यूरेबिलिटी की तो ड्यूरेबिलिटी की uh, इसकी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी कॉटन की ड्यूरेबिलिटी माइक्रो मॉडल से ज़्यादा है इसका कपड़ा भी आप देखेंगे बहुत ही पतला सा मलाई सा कपड़ा है तो तो बहुत ही जल्दी ऐसे लूज ऑफ़ भी हो जाता है इसकी मैं ड्रॉबैक्स बताया तो लूज ऑफ़ हो जाता है और जो इसकी जो आपकी ड्यूरेबिलिटी uh, है वो बहुत कम है आ, ये मान लीजिए दो से चार महीने के बीच में आ, ये आपका टर्न ऑफ हो जाएगा और आपको चेंज करने पड़ेंगे और काफियों के लिए ये काफ़ी महंगा ऑप्शन पड़ जाता है जैसे फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर पीस का तो तो उनके लिए आ, ये डील जो है वो सहायतामंद नहीं रहती तो उनके लिए ये वाला सही है कॉटन वालों के लिए बाकी माइक्रो मॉडल का ये अगर आप एक बार इसे पहनना स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर अगर कॉटन पहनना कॉटन पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे एक बार इसे इसकी आदत डल गई तो फिर इसे आपको कॉन्टिन्यू ही करना पड़ेगा ये मेरे साथ हुआ है मतलब मेरे से अब क्या कहते हैं कॉटन वाले पहने नहीं जाते जॉकी वगैरह के जो कॉटन आते हैं बाकी उसका टेक्टल नाइलन आता है एक जॉकी का वो मुझे इससे ही बढ़िया लगता है मतलब ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है और कंफर्ट लेवल और बाकी सब के मामले में भी बहुत ही मतलब शानदार है वो भी इसकी रेंज का ही है वो साढ़े छः सौ साढ़े पाँच सौ का एक आता है आ, पर काफ़ी प्रीमियम्स है वो और लंबा चलता है में इन ड्यूरेबिलिटी लेवल मैं कह सकता हूँ चलो दोनों की सिमिलर सी मान लो या आगे पीछे एक उन्नीस बीस का फर्क मान लो बट तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उसको एक एज दे देती दे है और हाँ इस, इसलिए मैं वो क्या कहते हैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ तो आ, ये था इन दोनों के बारे में आशा करता हूँ आपको आ, ये सहायता मंद रहा हो और आपको एक गाइड मिल गई हो कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए बाकी अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू बाकी मैं रिव्यूज और कंपैरिजन कर रहा हूँ एक्स वाई एक्स एक्स जितने भी मतलब मुझ पे रखे हुए एक दूसरे के साथ ताकि आपको एक बहुत ही एक बेहतर से गाइड प्रोवाइड हो सके और आप अपने लिए राइट रंग चूज कर पाए सो थैंक यू गाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई एल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो टेल देन गुड बाय